नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र के द्वारा गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे सुरक्षा बल के मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मोटरसाइकिल रैली समूहों के साथ 4 से 5 हजार किलोमीटर की यात्रा कर 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर पहुंचेगी नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट नई दिल्ली। कहा, प्रत्येक व्यक्ति में जागरूकता लाना है अमृत महोत्सव का उद्देश्य। भोले बाबा को सोमवारी जल चढ़ाने को लेकर रविवार को स्टेशन पर बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालु बोल बम का नारा लगाते आए नजर। कहा, सावन में बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाने से सभी की पूरी होती है मनोकामना। भारतीय डाक कर्मचारी संघ का संयुक्त महाधिवेशन सकुशल हुआ संपन्न। सर्वसम्मति से चुने गए जलेश्वर प्रसाद अध्यक्ष तो आशुतोष कुमार जायसवाल बने मंत्री। नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी करने के आरोप में शाहपुर पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सम्मेलन का किया गया आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने सरकार से सत्ता में कायस्थ समाज की उचित भागीदारी की मांग। श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर द्वारा संचालित मानसरोवर मंदिर में 20 से 26 जुलाई तक सप्त दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का किया गया आयोजन। कथावाचक श्री बालक दास जी महाराज के द्वारा किया जाएगा कथा का वाचन। जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे में रविवार विशेष दीवान कॉल हजूरी रागी जत्था के द्वारा गुरुवारी के मधुर कीर्तन का किया गया आयोजन। देवेंद्र आर्य की पुस्तक मन कबीर का पंजाबी संस्करण का हुआ विमोचन। और एक निजी संगठन के द्वारा श्रावण महोत्सव का किया गया आयोजन। टेराकोटा के बर्तन, ज्वेलरी, राखी सहित अन्य वस्तुओं की लगाई गई प्रदर्शनी, खरीदारी करते नजर आए लोग। अब खबरें विस्तार से। देश के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में संपूर्ण भारत आजादी का अमृत महोत्सव के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे पर भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यात्री सुरक्षा, रेल संपत्ति सुरक्षा एवं यात्री सहायता में तत्पर रहते हुए रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव पर महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे अशोक कुमार मिश्र के मुख्य आतिथ्य में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा निकाली गई मोटरसाइकिल रैली को महाप्रबंधक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाप्रबंधक ने स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण किया। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गाए गए अमृत गीत तथा रेलवे सुरक्षा बल बैंड धुन से हुआ। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश में जोश और हर्षोल्लास के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा साबरमती आश्रम में 12 मार्च 2021 को किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा देशव्यापी स्तर पर मनाया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों लखनऊ, वाराणसी एवं इज्जत नगर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 30,000 वृक्षारोपण, 75 स्टेशनों पर रेल यात्रियों हेतु जल सेवा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके आश्रितों को सम्मानित किए जाने का कार्य, एलईडी डिस्प्ले वॉल तथा रेलवे सुरक्षा बल बैंड द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के 75 स्टेशनों पर जन जागरूकता अभियान एवं सुरक्षा बल की उपलब्धियों का आम जनमानस में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। महाप्रबंधक ने कहा कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों से निकाली गई मोटरसाइकिल रैली पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से गुजरते हुए गोरखपुर में एकत्रित हुई है। उन्होंने कहा कि आज यह रैली गोरखपुर से कुशीनगर, गोपालगंज होते हुए
चंपारण के बापूधाम मोतिहारी स्टेशन के लिए प्रस्थान कर रही है। यह रैली स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण स्थलों से गुजरते हुए अन्य क्षेत्रीय रेलों के मोटरसाइकिल रैली समूहों के साथ 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट नई दिल्ली पहुंचेगी। महाप्रबंधक ने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य जनमानस को जोड़ना तथा प्रत्येक व्यक्ति में जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि आरपीएफ की टीम करीब 4 से 5 हज़ार किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। इस अवसर पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक डीके सिंह, मुख्य सुरक्षा आयुक्त तारिक अहमद, मंडल सुरक्षा आयुक्त अमित प्रकाश मिश्रा, सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी मौजूद रहे। धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल लखनऊ अमित प्रकाश मिश्र ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने कहा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा करीब 10,000 से अधिक पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत हमारे मुख्य मानव भारत गांधी सुभाष हरियाणी संस्कृति से सुसंस्कृत भारत। हमारे देश यही भूमि है, यही विशेषता है। पीछे जी सर इधर सर थैंक यू सर देशों में जाके अपने
रवाना करते हुए
होगा। के 75 वर्ष हो चुके हैं। इसी क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2021 में इस उत्सव की शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम जो गांधी जी का जो कार्यक्षेत्र था, जहां से पूरी आज़ादी की लड़ाई का उन्होंने संचालन किया था, उसी क्रम में पूरा देश हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मना रहा है। हम लोग इसमें पीछे नहीं हैं। हमारे RPF की टीम तीनों मंडलों के इकट्ठे होकर एक जागरूकता अभियान उन्होंने पूरे पूर्वोत्तर रेलवे में चलाया है। स्टेशनों के थ्रू होते हुए ये जा रहे हैं चंपारण, जहाँ से जो मोहनदास करमचंद गांधी जो व्यक्ति थे, जहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ था महात्मा पहुँचने तक का। अगर आप लोग हिस्ट्री में देखें तो पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण से हुआ था नील के खेती के अगेंस्ट, और वहीं से उनका मोहनदास करमचंद गांधी जी का महात्मा बनने का सफ़र शुरुआत हुआ, जिनको जो हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं। इसीलिए उस जगह पर जो बापूलाल मोतिहारी स्टेशन है, वहाँ बापूधाम पर ये लोग जा रहे हैं, और बितिहारी आश्रम जहाँ से संचालन हो तो वहाँ भी ये लोग जाएंगे। उसके बाद सारी टीमें मिलके वापस नेशनल वार मेमोरियल जो दिल्ली में है इंडिया गेट के पास पुलिस मेमोरियल, वहाँ पहुँचेंगे और ये 14 अगस्त शाम तक पहुँच जाएंगे आज़ादी के 75वें हमारा जो पूर्व संध्या है उसके पहले। उसी पूरे देश की जागरूकता और सारे हर जनमानस इसमें जुड़े, यही इसका मेन मकसद है। यहाँ से दिल्ली अप्रॉक्सीमेटली 1300-1200 करीब करीब 4,000 से 5,000 हो जाएगा सब मिला के आना और जाना लेके इन लोगों का। भोले बाबा को सोमवारी जल चढ़ाने को लेकर स्टेशन पर बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की स्टेशन पर भारी भीड़ लगी रही। इस दौरान श्रद्धालु बोलबम का नारा लगाते हुए नजर आए, जिसके संबंध में श्रद्धालुओं ने बताया कि हम लोग सालों से बाबा धाम जाते हैं, हम लोगों का हमेशा प्रयास रहता है कि सोमवार को जल चढ़ाया जाए, क्योंकि सोमवार भगवान भोलेनाथ का दिन माना गया है। इसलिए सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुँच कर कांवड़ में जल भरते हैं और वहाँ से पैदल देवघर पहुँच हैं। वहां पहुंचकर रावण कुंड में स्नान करके जल को संकल्पित करवाकर देवघर मंदिर में पहुंचकर बारी बारी से लाइन में आगे बढ़ते हुए बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाते हैं, क्योंकि यह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाबा बैजनाथ हम सब की मनोकामना पूरी करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं ने कहा, हो गए बोले बाबा से थोड़ा दर्शन करना होता है, जो मंगाए तो मिल जाता है, दुआ मिल जाती है, कुछ पाप या कष्ट जो दूर हो जाता है, आया जाया जाता है, कुछ यात्रा भी रहता है कुछ मिल भी जाता है। सुरेश पहली बार जा रहे हैं अभी, हाँ सर पहली बार ही जा रहे हैं, हमारा बड़का साथ है और हमारे गांव के लोग हैं उनके साथ जा रहे हैं। हाँ सर, क्या मान्यता है कि सर हम तो हमको अभी कुछ नहीं पता, हम जाएंगे जैसे हमारे गांव के लोग करेंगे वैसे हम भी करेंगे। सूरज वर्मा उनका पहला सोमवार प्रारंभ हो रहा है आज, बाबा धाम जा रहे हैं। हाँ जी जा रहे हैं। क्या मान्यता, क्यों लोग जाते हैं जल चढ़ाते? भोलेनाथ का मंदिर है, सबको श्रद्धा है, दर्शन करने हम लोग जाते हैं। कितने सालों से जा रहे हैं? हो गया 7-8 साल। कैसे कैसे लोग जाना रहता है वहाँ पर? हम लोग पैदल जाते हैं बाबा का नाम लेते हुए। देखा जाए तो काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। हाँ
दो दिन से इतना दर्द नहीं होता पैरों में? दर्द तो बहुत होता है लेकिन भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक हो जाते हैं ना। साधुराम वर्मा कहाँ जा रहे हैं? सुल्तानगंज। जल भरेंगे कल से सावन का पहला सोमवार का आरम्भ हो रहा है, बाबा धाम तक पहुँचेंगे हम? क्या जाता है? नहीं, हम रामपुर तक पैदल जाते हैं, रामपुर से सवारी से जाते हैं। देखा जाए काफी पैदल चलना पड़ता है, आरम्भ जल्द नहीं होता है? नहीं, थोड़ा थोड़ा होता है। क्या मान्यता है क्यों लोग अधिकतर सोमवार को जल चढ़ाते हैं? क्या मान्यता है क्यों लोग जाते हैं वहाँ बाबा धाम? वहाँ हम लोग को हर साल जाते हैं, वहाँ कम से कम 12-14 साल से जाते हैं हम लोग जल चढ़ाने। क्या मान्यता है क्यों लोग जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? हम मानता ना, मान्य ना होता तो क्यों जाते? हम रहती हाँ, पहला सोमवार है सावन का, हम उनके श्रद्धा रहा है बाबा के दर्शन करें। कैसे कैसे लोग जाते हैं वहाँ बताते ना, पैदल जाना पड़ता है? पैदल जाना पड़ता है बोलबम बाबा के नाम। पैरों दर्द नहीं होता है लोग उतना पैदल? नहीं, हम लोग बाबा के सहारे चलते हैं बोलबम। क्या मान्यता क्यों लोग जाते हैं हमेशा? अरे जेकर जौन पूरा हो जाला अपन मनता मंदिर आला तो वे दर्शन करे बाबा जाला। भारतीय डाक कर्मचारी संघ का संयुक्त महाधिवेशन सिविल लाइन स्थित एक निजी हॉल में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उमा शंकर पाठक ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें कर्मचारियों के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। महाधिवेशन में सभी के सर्वसहमति से जलेश्वर प्रसाद को अध्यक्ष, आशुतोष जायसवाल को मंत्री, आरपी सिंह को कोषाध्यक्ष सहित अन्य लोगों को पदाधिकारी चुना गया, जिसमें सभी लोगों को माला पहनाकर बधाई दी गई और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर भारतीय डाक कर्मचारी संघ के प्रदीप कुमार, रामानुज, अशोक नाथ शुक्ला, वेद प्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय डाक कर्मचारी संघ के नव नियुक्त मंत्री आशुतोष कुमार जायसवाल तथा अध्यक्ष जलेश्वर प्रसाद ने कहा, अशोक नाथ शुक्ला जी मेरे पास कलाश्री की भी सुनो जी, संजय कुमार मौर्य जी, अजीत चौधरी जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा नाम आशुतोष कुमार जायसवाल है, मंडली मंत्री भारतीय डाक कर्मचारी संघ गोरखपुर मंडल गोरखपुर। अधिवेशन संपन्न हुआ आज, ये भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ का अधिवेशन था, जिसमें हमारे शुक्ला जी 3 वर्ष के अंदर जो भी क्रियाकलाप होते हैं जो भी पोस्टमैन संपर्क के लोग बताया जाता है, नए कार्यकारी का गठन किया जाता है। अभी तो मैं शुक्ला जी मंडली मंत्री मैं श्री आशुतोष कुमार जायसवाल के पद पर चुना गया हूँ, क्षेत्रीय मंत्री श्री के दुबे जी को चुना गया है तथा अध्यक्ष श्री जलेश्वर प्रसाद जी को चुना गया है। मेरा नाम जलेश्वर प्रसाद है और मैं एक गोरखपुर विश्वविद्यालय में उप डाकपाल के पद पर कार्यरत हूँ, मुझे जो अध्यक्ष का पद दिया गया। आज हमारे यहाँ भारतीय डाक कर्मचारी संघ का जो है द्विवार्षिक अधिवेशन था, तो जिसमें हमारे सभी कार्यकारिणी का जो है चयन हुआ है। इसमें अध्यक्ष पद पर हुआ है और सेक्रेटरी के पद का हुआ है, कोषाध्यक्ष के पद का हुआ है, संगठन कार्यकर्ताओं के कार्यकारिणी का सदस्य हुआ। कुल कितने लोग हुए हैं? कुल लगभग 11 लोग हैं। नाम और पद और अध्यक्ष पद पर जो है श्री जलेश्वर प्रसाद और सचिव के पद पर जो है आशुतोष जायसवाल, कोषाध्यक्ष के पद पर जो है श्री अनूप पटवा जी का हुआ।
शाहपुर पुलिस ने नाबालिग बालिका से छेड़खानी करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को पीएसी तिराहा बिछिया से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान गौरव प्रजापति पुत्र प्रमोद कुमार निवासी जंगल तुलसीराम बिछिया कुम्हार टोला थाना शाहपुर के रूप में हुई है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उपनिरीक्षक राम प्रवेश, हेड कांस्टेबल राजू उपाध्याय, कांस्टेबल संजय राजभर शामिल रहे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र के द्वारा गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे सुरक्षा बल के मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मोटरसाइकिल रैली समूहों के साथ 4 से 5 हजार किलोमीटर की यात्रा कर 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर पहुंचेगी नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट नई दिल्ली। कहा, प्रत्येक व्यक्ति में जागरूकता लाना है अमृत महोत्सव का उद्देश्य। भोले बाबा को सोमवारी जल चढ़ाने को लेकर रविवार को स्टेशन पर बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालु बोल बम का नारा लगाते आए नजर। कहा, सावन में बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाने से सभी की पूरी होती है मनोकामना। भारतीय डाक कर्मचारी संघ का संयुक्त महाधिवेशन सकुशल हुआ संपन्न। सर्वसम्मति से चुने गए जलेश्वर प्रसाद अध्यक्ष तो आशुतोष कुमार जायसवाल बने मंत्री। नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी करने के आरोप में शाहपुर पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सम्मेलन का किया गया आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने सरकार से सत्ता में कायस्थ समाज की उचित भागीदारी की मांग। श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर द्वारा संचालित मानसरोवर मंदिर में 20 से 26 जुलाई तक सप्त दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का किया गया आयोजन। कथा वाचक श्री बालक दास जी महाराज के द्वारा किया जाएगा कथा का वाचन। जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे में रविवार विशेष दीवान कॉल हजूरी रागी जत्था के द्वारा गुरुवारी के मधुर कीर्तन का किया गया आयोजन। देवेंद्र आर्य की पुस्तक मन कबीर का पंजाबी संस्करण का हुआ विमोचन। और एक निजी संगठन के द्वारा श्रावण महोत्सव का किया गया आयोजन। टेराकोटा के बर्तन, ज्वेलरी, राखी सहित अन्य वस्तुओं की लगाई गई प्रदर्शनी, खरीदारी करते नजर आए लोग। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसढ़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। योर कलर चॉइस ना वेरी बोरिंग। ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन पूरे बाथरूम का लुक ही लिफ्ट कर देता है। व्हाट्स इट यू लाइक इट चीकू? डॉगी को क्या पता कलर के बारे में? इट्स मैग्निफिसेंट एंड इट आल्सो कम्स इन गोल्ड एंड क्रोम ब्लैक एंड बाय द वे इट्स चीकू नॉट डॉगी। प्रेजेंटिंग ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन स्टनिंग कलर फॉसेट्स विद लॉन्ग लास्टिंग फिनिश दैट्स नोटिस्ड बाय एवरीवन। हेडवेयर इटालियन कलेक्शन। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंपलीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंपलीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का सम्मेलन जिला अधिवक्ता सभागार में आयोजित किया गया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे समाज में उत्तर प्रदेश में 98% से ज्यादा भाजपा के पक्ष में मतदान किया और भाजपा सत्ता में है, तो सरकार से अपने समाज की सत्ता में भागीदारी की मांग को लेकर यह सम्मेलन किया गया है। प्रदेश में सभी जनपदों में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की पूरी टीम पूरे समर्पित भाव से कार्य कर रही है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव रमन श्रीवास्तव, जिला सचिव प्रिंस श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव सहित अन्य कायस्थ समाज के लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने कहा, बोलिए भगवान चित्रगुप्त की जय। मैं डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव हूँ, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का अध्यक्ष हूँ और संगठन की जागृति के लिए दौरे कर रहा हूँ पूरे प्रदेश में। ये गोष्ठी है, संगठन को सक्रिय बनाने के लिए गोष्ठी है और एक उद्देश्य ये था कि बाबा का ये गृह जनपद है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे समाज ने उत्तर प्रदेश में 98% से ज़्यादा भाजपा को मतदान किया, भाजपा सत्ता में है, तो हम उससे अपनी भागीदारी की मांग करने आए हुए हैं और हम तब तक आते रहेंगे जब तक कि बाबा हमको दे नहीं देते हैं। नाराज़गी, हम बच्चे तो हैं नहीं कि दो मिनट में नाराज हुए दो मिनट में खुश हुए, हम अपना हक मांगते रहेंगे और जब भी मौका मिलेगा हम लगाएंगे। हमारे पदाधिकारी हैं, हर महीने आकर के बाबा के आश्रम में जयकारा लगाएंगे और उनसे अपनी मांग करेंगे कि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर द्वारा संचालित मानसरोवर मंदिर अधियारी बाग निकट रामलीला मैदान गोरखपुर में सप्त दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के आयोजन को लेकर आज एक बैठक मानसरोवर मंदिर परिसर में किया गया। बैठक में बताया गया कि श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन श्रावण मास के पवित्र माह के अवसर पर
प्रतिवर्ष कथा का आयोजन होता है। इस वर्ष भी श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। कथा श्रावण कृष्ण सप्तमी दिन बुधवार 20 जुलाई से प्रारंभ होकर श्रावण कृष्ण त्रयोदशी दिन मंगलवार 26 जुलाई तक किया जाएगा। कथा नित्य साय 4 से 7 बजे तक होगा। कथावाचक श्री बालकदास जी महाराज के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा का वाचन किया जाएगा। बैठक के बाद सभी धर्म प्रेमी महानुभावों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी उपरोक्त तिथियों में मानसरोवर मंदिर अधियारी बाग निकट रामलीला मैदान गोरखपुर पधारकर श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण कर लाभ उठाएं। 26 जुलाई 2022 को कथा की पूर्णाहुति के पश्चात भंडारा का आयोजन किया गया है। बैठक में प्रमुख रूप से गोरखनाथ मंदिर से द्वारिका तिवारी, वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रदीप राव, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, जय प्रकाश सिंह, पवन कुमार त्रिपाठी, विनय चतुर्वेदी, विनय गौतम, मंटू यादव तथा यजमान लालाजी अग्रवाल, जवाहरलाल कसौधन, ओम प्रकाश, करम चंदानी, लालजी सिंह सहित कथा में व्यवस्था से जुड़े अन्य लोग उपस्थित रहे। रविवारीय विशेष दीवान काल हजूरी राग जत्था के द्वारा गुरुवाड़ी के मधुर कीर्तन जटाशंकर स्थित गुरुद्वारा में आयोजित किया गया तथा देवेंद्र आर द्वारा लिखी गई पुस्तक मन कबीर पंजाबी रूपांतरण का विमोचन भी किया गया, जिसके संबंध में गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने बताया कि रविवारीय विशेष दीवान सजाया गया जिसमें देवेंद्र आर की पुस्तक मन कबीर का पंजाबी रूप में विमोचन किया गया। उन्होंने बताया कि देवेंद्र आर ने कई गज़लें कविताओं की किताबें लिखी हैं जो कि पुस्तक 7 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पूरे सिख समाज के लिए गर्व की बात है कि देवेंद्र आर्य द्वारा लिखित पुस्तक जो पंजाबी भाषा में विमोचन किया गया है। इस अवसर पर सरदार रघुवीर सिंह, हेमंत चोपड़ा, गगन सदन, अरविंद गुप्ता, सरदार अमरजीत सिंह, सरदार राजेंद्र सिंह, जसविंदर कौर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए पुस्तक के लेखक देवेंद्र आर एवं जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा। मेरा नाम देवेंद्र कुमार आर्य है जी। पुस्तक भी हाँ जी, मेरी पुस्तक है मन कबीर, उसका जो गुजराती संस्करण है उसका आज यहाँ धर्मशाला में जो गुरुद्वारा है उसमें विमोचन हुआ है। अभी उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया। ये मन कबीर गज़लों की किताब है, इसमें मेरी 100 से अधिक गज़लें शामिल हैं। वो गज़लें जो हैं वो
आम जबान में कही गई समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ जिस तरह से कबीर खड़ा होते थे, लुआठी लेके खड़े हो जाते थे, उसी तरह से ये गज़लें उसी भाव से लिखी गई हैं और संकलित हैं। मूलतः ये किताब हिंदी में आई थी न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन दिल्ली के द्वारा, लेकिन बाद में उन्होंने इसे अन्य भारतीय भाषाओं में छापने की इजाज़त मांगी और मैंने वो इजाज़त दे दी। अब ये किताब पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, मराठी, ये तमाम सारी भाषाओं में, 7 भाषाओं में किताब छप चुकी है और उम्मीद ये है कि दक्षिण की भी भाषाएं इसमें इस किताब के लिए चुनी गई हैं, नेपाली। तो इस तरह से लगभग उम्मीद ये है कि 14 भाषाओं में किताब आएगी। मेरा ख़्याल है कि इस पूरे देश में शायद कोई किताब और ख़ास तौर से गज़ल की किसी किताब का एक साथ इतनी भारतीय भाषाओं में प्रकाशन नहीं हुआ है। ये मेरे लिए और गोरखपुर के लिए भी और हिंदी साहित्य के लिए भी ये मुझे लगता है गौरव की बात होनी चाहिए। किताब का नाम मन कबीर है। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में रविवार ये विशेष दीवान सजाया गया था, जिसमें देवेंद्र आर्या जी की पुस्तक मन कबीर का पंजाबी रूप में विमोचन हुआ है। देवेंद्र आर्या जी का नाम जाना पहचाना है, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। देवेंद्र आर्या जी ने कई गज़लें की किताबें, कविताएं लिखी हैं, तो उनकी पुस्तक ये हिंदी में लिखी गई थी, इसकी 7 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और ये हमारे सिख कौम के लिए, पंथ के लिए बहुत गर्व की बात है कि गोरखपुर में अल्पसंख्यक होते हुए भी प्रकाशक महोदय और देवेंद्र आर्या जी की ये सोच है कि पंजाबी भाषा में भी किसी पुस्तक का विमोचन किया जाए। गोरखपुर में ये पहली पुस्तक का पंजाबी भाषा में विमोचन किया गया है। मैं इस कार्य के लिए श्री देवेंद्र आर्या जी को, प्रकाशक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। एक संगठन के द्वारा सिविल लाइन्स स्थित हॉल में श्रावण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एस्प्रा डायमंड के प्रोपराइटर अतुल सर्राफ ने किया। इस दौरान उन्होंने श्रावण महोत्सव में लगाए गए टेराकोटा स्टॉल, राखी स्टॉल, ज्वेलरी स्टॉल, बर्तन स्टॉल सहित अन्य स्टॉलों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एस्प्रा डायमंड के प्रोपराइटर अतुल सर्राफ ने बताया कि संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है क्योंकि इससे महिलाओं के द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुओं को बढ़ावा मिल रहा है। अब महिलाएं घर से बाहर निकलकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार कर रही हैं और समाज में एक पहचान बनाने का मौका मिल रहा है, वो अब समाज में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा, यहाँ की सभी वस्तुएं भारत में ही बनी है और राखियां हाथों से बनी हुई हैं। पहले राखियां चाइना से आती थी, लेकिन अब लोग हाथों से बनी राखियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन की अध्यक्ष सीमा अग्रवाल एवं एस्प्रा डायमंड के प्रोपराइटर अतुल सर्राफ ने कहा, उनके लिए एजुकेशन, सब एजुकेशन कॉन्सेप्ट है, सारे कॉर्पोरेट गिफ्ट सब भी है। कहा था कि सबसे पहले हमारे हम लोग चाह रहे थे कि राखी के स्टॉल लगे और बहुत ही सुंदर ये राखी का स्टॉल।
ये ब्रेसलेट्स हैं। सभी स्टॉल वाले अपने दो दो बैचेस ले लीजिए। कॉल कर लीजिए दीपू भाई। आपने मेरे का हमने देखा निरीक्षण किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके पीछे जो थीम है वो भी बहुत अच्छी है अग्रवाल महिला मंडल की, कि इससे होने वाली जो भी आय है उस आय को ये लोग सोशल वर्क में करते हैं। महिलाओं को अपने घर से बाहर निकल के पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के व्यापार करने का एक मौका मिलता है, समाज में अपनी एक पहचान बनाने का मौका मिलता है और इसी के साथ महिलाएँ अपनी शक्ति को पहचानती हैं, समाज में आगे बढ़ती हैं। इसके लिए बहुत बहुत नहीं, सबसे पहली बात कि इस तरह के प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स ज़्यादातर इंडिया के बने हुए हैं, ये प्रोडक्ट्स इंडियन हैं, लोकल बने हुए हैं, तो उससे लोकल फॉर वोकल ये भी बहुत अच्छा है। और जो प्रोडक्ट्स बाहर से झूठ में चाइना से आ रही है राखियाँ, उनकी जगह यहाँ हैंडमेड राखियाँ बहुत सुंदर सुंदर हैं जिनको आदमी बहुत आराम से ले सकता है। सीमा अग्रवाल, अग्रवाल महिला मंडल की प्रेसिडेंट। क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है महिलाओं को आगे लाने का भैया। जो महिला बैकफुट पर रहकर के हमेशा पुरुष को आगे बढ़ाती रहती हैं, लेकिन हमारी महिला आज कमज़ोर नारी नहीं है, वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती है। और ये हम एक दिखाने की एक छोटा सा प्रयास हमने किया है जो कि आज बहुत ही सफल है, हमें लगता है ऐसा। कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पे? भैया हर शहर से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, गुजरात से, अहमदाबाद से आए, नागपुर से आए हैं, निज़ामाबाद से आए हैं, आजमगढ़ से आए हैं, लखनऊ से, लखनऊ की चिकनकारी है, बनारस की है, कोलकाता की राखियाँ हैं, सभी कुछ आपको यहाँ बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और महिलाएँ हर स्टॉल पर देखेंगे आप, ये महिला ही बैठी हुई है। और टेराकोटा जिसको सरकार भी प्रमोट कर रही है, टेराकोटा को देखते हुए निज़ामाबाद से हमने ब्लैक पॉटरी मंगाई है। तो ये हम ये आज हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि अभी तक तो हम लोग हमेशा से गोल्ड की या सिल्वर की ज्वेलरी पहनते थे, बट हम मिट्टी की भी ज्वेलरी पहन सकते हैं। ये निज़ामाबाद से आया है जो कारीगर, वो मिट्टी की ज्वेलरी लेकर के आया, आप बाहर देखिएगा ज़रूर। और सेवा भारती का भी यहाँ पे एक निःशुल्क स्टॉल लगा हुआ है। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र के द्वारा गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे सुरक्षा बल के मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मोटरसाइकिल रैली समूहों के साथ 4 से 5 हजार किलोमीटर की यात्रा कर 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर पहुंचेगी नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट नई दिल्ली। कहा, प्रत्येक व्यक्ति में जागरूकता लाना है अमृत महोत्सव का उद्देश्य। भोले बाबा को सोमवारी जल चढ़ाने को लेकर रविवार को स्टेशन पर बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालु बोल बम का नारा लगाते आए नजर। कहा, सावन में बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाने से सभी की पूरी होती है मनोकामना। भारतीय डाक कर्मचारी संघ का संयुक्त महाधिवेशन सकुशल हुआ संपन्न। सर्वसम्मति से चुने गए जलेश्वर प्रसाद अध्यक्ष तो आशुतोष कुमार जायसवाल बने मंत्री। नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी करने के आरोप में शाहपुर पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सम्मेलन का किया गया आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने सरकार से सत्ता में कायस्थ समाज की उचित भागीदारी की मांग। श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर द्वारा संचालित मानसरोवर मंदिर में 20 से 26 जुलाई तक सप्त दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का किया गया आयोजन। कथावाचक श्री बालक दास जी महाराज के द्वारा किया जाएगा कथा का वाचन। जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे में रविवार विशेष दीवान कॉल हजूरी रागी जत्था के द्वारा गुरुवारी के मधुर कीर्तन का किया गया आयोजन। देवेंद्र आर्य की पुस्तक मन कबीर का पंजाबी संस्करण का हुआ विमोचन। और एक निजी संगठन के द्वारा श्रावण महोत्सव का किया गया आयोजन। टेराकोटा के बर्तन, ज्वेलरी, राखी सहित अन्य वस्तुओं की लगाई गई प्रदर्शनी, खरीदारी करते नजर आए लोग। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।